हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। इस रीडिंग से देखते हैं वो व्यूअर्स जिनके साथ कुछ चीटिंग हुआ है, धोखा हुआ है, तो इस रीडिंग से देखेंगे फ्रेंड्स ये हुआ क्यों है आपके साथ। ऑलरेडी आप जानते होंगे, बट अगर प्रेजेंट सिचुएशन आपकी है तो आप इस रीडिंग से ये समझ पाएंगे व्हाट कॉज्ड दिस डिस्टर्बेंस और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा डिसीट फेस किया है, स्पेशली फ्रॉम समवन जिन पर आपने ट्रस्ट किया, बट आपके साथ उन्होंने कुछ भी सही नहीं किया। तो इस रीडिंग से फ्रेंड्स, लेट्स फाइंड आउट द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और द रूट कॉज, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ है। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या है। रिलेशनशिप वाइज फ्रेंड्स, देयर इज समथिंग हिडन, कुछ छुपाया गया है आपसे। जिस पर्टिकुलर पर्सन से आपने डील किया है एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक, दिस पर्सन हिड समथिंग, कुछ छुपाया है इन्होंने आपसे। इट मीन्स इस पर्सन ने अपना जो प्लान है, अंडरस्टैंडिंग, उसे दिस इज लाइक फायदा उठाया गया है आपका, और क्लैरिटी नहीं थी इस पर्सन को। पर्सन ड्यूअल मेंटेलिटी वाले हैं ये, हूसोएवर जो भी थे। फ्रेंड्स, लुक्स लाइक बड़ा डिस्टर्बेंस आया है इसके बाद आपके जीवन में। बट फ्रेंड्स, यहाँ द टार कार्ड है विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। टार कार्ड का मतलब है फ्रेंड्स, इस बिल्डिंग पर बिजली गिरी है, और इस बिजली गिरने की वजह से आप, हो सकता है, अपने होम प्लेस से, होम टाउन से, या जहाँ भी स्टेबल थे वहाँ से एक्चुअली मूव ऑन किए हैं। इट मीन्स आपके जीवन में जो बिजली गिरी है फ्रेंड्स, दिस इज टू मूव यू, आपको मूव करने के लिए हुआ है ये सब। आपके पर्सन ने आपके पर्सन ने आपको बैक स्टेप तो किया ही है। यस फ्रेंड्स, कुछ कार्मिक अकाउंट था फ्रेंड आपका इस पर्सन के साथ, कुछ कर्मा था, उस कर्मा के लिए ये पर्सन आपसे जस्ट टकराए और चले गए। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में लुक्स लाइक इस स्टार मोमेंट को आए हुए मोर देन वन ईयर हो चुका है, एक साल से पहले, या दो साल भी हो सकता है हो गए हैं। अब यहां दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि अगले वन ईयर के विद इन आपकी लाइफ में यू विल बी फाइनेंशियली स्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग, देयर विल बी समवन जो कि आपसे कनेक्ट होंगे। थ्री ऑफ कप्स आया है फ्रेंड्स यहां पर विद पेज ऑफ कप्स। पेज इज अ साइन ऑफ न्यू पर्सन, न्यू पर्सन का ये साइन है यहां पर। फ्रेंड्स, फ्यूचर इज ऑल ब्राइट, सब कुछ ब्राइट है यहां पर। फाइनेंशियली यू विल बी सेटल्ड, हेल्थ वाइज इंप्रूवमेंट आएगा, गुड न्यूज आएगी फ्रेंड्स। थ्री ऑफ कप्स है ये, थ्री ऑफ कप्स इज अ साइन ऑफ एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, प्रमोशन, कुछ गुड न्यूज है फ्रेंड्स। आपका ड्राइवर नंबर 156 हो सकता है फ्रेंड्स, और 2 भी आपसे रिलेटेड हो सकता है, ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स इस रीडिंग से हम देख रहे थे व्हाई दिस डिस्टर्बेंस हैपन्ड, ये डिस्टर्बेंस क्यों हुआ है। फ्रेंड्स, इस पर्सन का आपके साथ कोई कार्मिक अकाउंट था जो कि क्लियर हो गया है इस पर्सन के एंड से। इट मीन्स ये पर्सन आया ही आपकी लाइफ में एक टार मोमेंट लाने के लिए था, बट ये टार मोमेंट क्यों आया है फ्रेंड्स आप समझ चुके हैं।
आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से थोड़ा मूव कराने के लिए, सो दैट आप जब मूव करेंगे तभी आपके लाइफ में जो एक न्यू वे है वो ओपन होता है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, गॉडेस ऑफ द मून, डोर टू वैल्यू। ऑफकोर्स फ्रेंड्स, इस पर्सन के साथ तो आपके कॉन्स्टेंट्स रहे हैं, इस पर्सन की वजह से आपने अपनी लाइफ में बड़ा डिस्टर्बेंस तो देखा है। गॉडेस ऑफ द मून है फ्रेंड्स, इट मींस आपसे अभी कुछ छुपा हुआ है फ्रेंड्स। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन भी आ गए हैं। जो आपसे छुपा हुआ है फ्रेंड्स, दैट इज आप अपने फाइनेंसेस पर वर्क करेंगे, अपनी वैल्यूज पर वर्क करेंगे। व्हेन यू डू सो, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है फ्रेंड्स, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं जो कि मैन होल्डिंग अ कॉइन कह सकते हैं। साइन ऑफ स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस, रिलेशनशिप वाइज भी स्टेबिलिटी का साइन है। फ्रेंड्स, आप टॉरस पाइसेस हो सकते हैं, लियो और एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ड्राइवर नंबर और लाइफ पाथ नंबर आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम देख रहे थे किस वजह से आपके साथ हुआ है। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है फ्रेंड्स 5 कार्ड्स का, ये बता रहा है कि कार्मिक रिलेशनशिप था फ्रेंड्स, और इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना एक हिसाब किताब पूरा करने के लिए था और आपको एक लाइफ में न्यू डायरेक्शन देने के लिए था। नाउ लेट्स टेक वन कार्ड एज एन एडवाइस। फ्रेंड्स, कुछ दिनों के लिए ये ट्रैफिक नॉइज बैकग्राउंड का थोड़ा इशू है, तो काइंडली मैनेज विद दैट, काइंडली कोऑपरेट। फ्रेंड्स, फुल स्टोरी आ गई है यहां पर। 16 नंबर कार्ड है फ्रेंड्स द टार, बिजली गिरी है आपके जीवन में। 17 नंबर कार्ड है फ्रेंड्स द स्टार, ये गिरी है सो दैट आप एक लॉन्ग टनल से निकलेंगे, बिकॉज टनल के बाद एक लाइट आपको दिखाई दे रही है, उस ओर आप बढ़ेंगे। दिस इज द चैरियट, रिवॉर्ड्स दैट कम फ्रॉम हार्डवर्क, सक्सेसफुली बैलेंसिंग मैनी प्रायोरिटीज एट वंस, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन। तो इस वक्त आपने अपना जो चैरियट है इसे चलाया है विद होप, विद फेथ इन गॉड, विद टोटल सरेंडर, और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। द ड्रीमर है फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, अ न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ, बिकॉज आपके फ्यूचर में हमने मैक्सिमम कार्ड्स निकाल लिए हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4, सब यही बता रहे हैं देर इज अ गुड न्यूज, देर इज स्टेबिलिटी, देर इज फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, हेल्थ इंप्रूवमेंट एंड ऑल। एक्वेरियस और कैंसर साइन भी स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं। ओके, लेट्स सीक एंजल्स प्रेडिक्शन। कम्युनिकेट क्लियरली इफ यू बिलीव अपॉर्चुनिटी, ऑल राइट, इट मीन्स फ्रेंड्स आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक ऐसे पर्सन मिल सकते हैं द वन विद होम यू विल बी सेटल्ड। तो कम्युनिकेट क्लियरली का मीनिंग आया है फ्रेंड्स, अब आप अपनी लाइफ में ऐसे पाथ को फॉलो ना करें जहाँ बैरिकेड्स हैं, जो पाथ क्लियर है उसको फॉलो करें। इट मीन्स किसी भी पर्सन से जब डील करते हैं इमोशनली तो बी क्लियर फ्रॉम देम, उनसे क्लियर हो जाएं। सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, प्लीज टेक केयर।